दोस्तों, विशाल आदित्य सिंह इंडियन टीवी इंडस्ट्री में तरह तरह के किरदार निभाने के लिए जाने जाते हैं। विशाल कई सीरियल्स के साथ साथ इंडिया के बड़े बड़े रियलिटी शोज में भी देखे जा चुके हैं। ये आए दिन अपने मधुरिमा तुल्ली के साथ लव रिलेशनशिप को लेकर चर्चा में रहते थे। हालांकि बहुत बुरे तरीके से इनका ब्रेकअप होने के बाद विशाल आदित्य सिंह ने बहुत टाइम बाद टीवी इंडस्ट्री में कमबैक करके अपने फैंस को खुश कर दिया है। ये अभी कलर्स टीवी के सीरियल चांद जलने लगा में कनिका मन के साथ देवा के लीड रोल में नजर आ रहे हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं विशाल की लाइफस्टाइल एंड बायोग्राफी के बारे में, और इस वीडियो में आपको विशाल के बारे में बहुत सी बातें जानने को मिलेंगी। तो हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इनका रियल नेम है विशाल आदित्य सिंह और निक नेम है गुल्लू। प्रोफेशन की बात करें तो ये टीवी एक्टर, मॉडल एंड डांसर हैं। अब बात करते हैं इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 25 जनवरी 1988 और 2023 के हिसाब से अभी इनकी एज हो जाएगी 35 इयर्स। इनका बर्थ प्लेस आरा, बिहार, इंडिया है एंड होम टाउन बिहिया, बिहार, इंडिया है। और अभी ये अपनी फैमिली के साथ मुंबई, महाराष्ट्र में रहते हैं। रिलीजन की बात करें तो ये हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं और नेशनलिटी से इंडियन है। इनका जोडियक साइन अक्वेरियस है। अब जान लेते हैं इनकी फैमिली के बारे में। इनके फादर का नेम अजीत सिंह है, जो कि बाय प्रोफेशन बिजनेसमैन है, एंड इनकी मदर का नेम बिना सिंह है और ये हाउसवाइफ हैं। हॉबी की बात करें तो इन्हें जिमिंग एंड डांसिंग पसंद है। अगर बात करें फिजिकल अपीयरेंस की तो इनकी हाइट है अप्रॉक्स 183 सेंटीमीटर यानी कि 6 फीट 0 इंचेस एंड वेट है अप्रॉक्स 85 kg। तो चलिए अब बात करते हैं इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। इन्होंने अपनी स्कूलिंग बिहिया के ही एक लोकल स्कूल से कंप्लीट की है। तो अब जान लेते हैं इनके कैरियर और जर्नी के बारे में। विशाल का टीवी इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी वह अपनी कड़ी मेहनत से अच्छे मुकाम तक पहुंचे। जब विशाल ने टीवी इंडस्ट्री में एंट्री की तो उन्होंने अपने लैंग्वेज पर काम किया। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 2011 में हिंदी टेलीविजन शो चंद्रगुप्त मौर्य से की। उन्होंने शो में शशांक का मुख्य किरदार निभाया। 2012 में इन्होंने टीवी सीरियल ससुराल सिमर का में वीरू का किरदार निभाया। फिर 2015 में हिंदी टेलीविजन सीरियल बेगुसराय में काम किया और पॉपुलैरिटी की सीढ़ी चढ़े, जहां उन्होंने लखन ठाकुर की मुख्य भूमिका शिवांगी जोशी के साथ निभाई और इस रोल को लोगों ने बहुत पसंद किया। 2016 में ये जिंग टीवी शो प्यार तूने क्या किया में नजर आए। 2017 से 18 तक इन्होंने टीवी शो चंद्रकांता में काम किया, जहां पर इन्होंने राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह का रोल प्ले किया। 2018 में इन्होंने स्टार प्लस के शो कुल्फी कुमार बाजेवाला में काम किया और तेवर सिंह का रोल निभाया। 2019 में ये डांस रियलिटी शो नच बलिए सीजन 9 में मधुरिमा तुली के साथ नजर आए और सेकंड रनर अप रहे। 2019 में ही ये इंडिया के सबसे बड़े रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 13 में भी नजर आए। यहां पर भी ये मधुरिमा के साथ कंट्रोवर्सी में घिरे रहे। फिर 2021 में ये रोहित शेट्टी के रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 में नजर आए और सेकंड रनर अप रहे। और अब 2023 में ये नजर आ रहे हैं कलर्स टीवी के शो चांद जलने लगा मेन, जहां पर ये कनिका मन के साथ देवा का लीड रोल प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, आपको विशाल का कौन सा सीरियल सबसे ज्यादा पसंद है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आपको कनिका के साथ इनकी जोड़ी कैसी लगी। विशाल आदित्य सिंह को एक्टिंग में इंटरेस्ट होने के अलावा गेम्स भी पसंद हैं। इन्होंने शेयर किया कि वह अपने स्कूल के दिनों में एक स्टेट लेवल के क्रिकेटर थे। तो चलिए अब बात करते हैं इनके रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में। मैरिटल स्टेटस की बात करें तो ये अनमैरिड हैं। गर्लफ्रेंड की बात करें तो विशाल 2017 में अपने को एक्टर मधुरिमा तुली को डेट कर रहे थे, लेकिन 2018 में ही इनका ब्रेकअप हो गया। 2021 में खबरें आई थीं कि विशाल सना मकबूल खान को डेट कर रहे हैं, लेकिन विशाल ने बताया कि सना उनकी सिर्फ अच्छी दोस्त हैं। विशाल अभी किसी को डेट नहीं कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं इनके मनी फैक्टर के बारे में। सैलरी की बात करें तो ये अप्रॉक्स 30 से 40 हजार रुपए पर एपिसोड चार्ज करते हैं और इनकी नेटवर्थ है अप्रॉक्स $2 मिलियन। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।